नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम टाइपिंग मास्टर को कैसे फ्री में डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना ब्रेव ब्राउजर ओपन कर लिया है। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हों उसे ओपन करें और यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10। ओके, और इसे आपको सर्च कर लेना है। टाइपिंग मास्टर से क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है अपनी टाइपिंग को इंक्रीज करने के लिए, और उसमें आपको पता भी चल जाता है कि आपकी जो टाइपिंग है कितने वर्ड पर मिनट है। ओके, तो यहाँ सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है typingmaster.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ दोस्तों आप टाइपिंग मास्टर का जो प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं कि इसके फीचर्स, जब आप इसे यूज करोगे आपके सिस्टम में, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये सब कुछ आप यहाँ चाहो तो देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ आ रहा है डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10। अब इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसे अपने सिस्टम में कहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, किस फोल्डर में। तो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम ने डाउनलोड फोल्डर ले लिया है, तो मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। और यदि आप इसे किसी अदर फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ फोल्डर का नाम डालना है आपको और यहाँ से करना है सेव। सेव पे क्लिक करते ही यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 6.2 MB का सॉफ्टवेयर है और ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ आप एक एरो जैसा आइकन देख सकते हैं, अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आ रहा है शो इन फोल्डर, हमें शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है क्योंकि ये हमें इसकी लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हुई है, क्योंकि हमें वहीं से इसे इंस्टॉल करना है। तो मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइपिंग मास्टर है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी अभी ये डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ आ रहा है सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट इसने इंग्लिश ले लिया है, यदि आप चाहें तो यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इंग्लिश ही रहने देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ इसे ओके। अब यहाँ से करना है आपको नेक्स्ट। अब यहाँ इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ आ रहा है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ आपको टिक करना है और अगेन आपको नेक्स्ट। अब यहाँ जो ये सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होगा हमारे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसे नेक्स्ट और फिर अगेन आपको नेक्स्ट। अब यहाँ आ रहा है इंस्टॉल, अब आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये बस इंस्टॉल होने वाला है, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी ये इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आ रहा है फिनिश, अब आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। अब जो टाइपिंग मास्टर है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ आप कोई नेम दे देना है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना नाम ही दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ आ रहा है इंटर, आपको इंटर के ऊपर प्रेस करना है। अब इसके बाद यहाँ इसके जो फीचर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, जिसे यहाँ आ रहा है टाइपिंग टेस्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट नाउ। ओके, टाइपिंग टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 2 मिनट है यहाँ पर, और यहाँ से करना है स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ पर ये ऊपर जो पैराग्राफ आ रहा है आपको इसे टाइप करना है यहाँ पर। ओके, और यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन है 2 मिनट का आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ।
अब यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट होने वाला है। मैंने दोस्तों वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, यहाँ आ गया एक्सरसाइज कंप्लीटेड, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ इसने सब कुछ बता दिया, टाइम यूज 2 मिनट, स्पीड 16 Mbps, एक्यूरेंसी 28%, नेट स्पीड 4 Mbps, यानी कि यहाँ इसने सब कुछ बता दिया कि आपकी कितनी स्पीड है पर मिनट। ओके, तो इस तरह दोस्तों आप टाइपिंग मास्टर को अपने कंप्यूटर पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए इसी तरह लेके आता रहूँगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।